हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं लवलीन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बाजार जैसे आलू के पोहे बना करके दिखाऊंगी। मेरे इस वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आलू पोहा बनाने के लिए हमने पोहे को धो लिया है। इसे 10 मिनट पहले भिगोना है जिससे कि ये फूल जाए। प्याज, हरी मिर्च, सौंफ, इसमें जीरा नहीं डलता है। कटे हुए आलू, आलू को भी हमने धो लिया है। कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो जाने के बाद हम इसमें सौंफ तड़काएंगे। सौंफ के बाद हम इसमें हरी मिर्ची प्याज को डाल करके फ्राई करेंगे। प्याज को हमने लंबा लंबा काटा है, आप चाहे तो सिंपल प्याज भी कट कर सकते हैं। प्याज मुरझा गया है, अब हम इसमें हमारे कटे हुए आलू डालेंगे और आलू को पकने देंगे। यहाँ पर हम सिर्फ दो चीजों का यूज करेंगे, एक है हल्दी और दूसरा नमक। यहाँ पर हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रहे हैं। अब हम इसमें नमक डाल देंगे जिससे कि आलू जल्दी पक जाए, और साथ ही हम इसमें हल्दी डाल देंगे जिससे कि हल्दी का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। ये बहुत ही सिंपल तरीके से हम पोहा बना रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ दो चीजों का यूज किया है। आप चाहें तो धनिया पाउडर और लाल मिर्च का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से पोहे बनाएंगे तो पोहे का टेस्ट दुगना हो जाएगा। मूंगफली के दानों को हमने पहले ही फ्राई करके रख लिया था। अब हमारे आलू पक करके तैयार हो चुके हैं, बहुत आसानी से ये कट रहे हैं, इसका मतलब ये पक कर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें पोहा डालेंगे। अब हम इसमें पोहा डाल करके फ्राई करेंगे। मेरे YouTube चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सजावट के लिए हम इसमें आलू भुजिया डाल रहे हैं। इस तरह से आपको आलू भुजिया से डेकोरेट करना है। अब हम इसमें मूंगफली के दाने डालेंगे जो कि हमने फ्राई करके रख लिए थे। यम्मी चटपटा आलू पोहा बनकर तैयार है फ्रेंड्स, लाइक एंड शेयर माय वीडियो।